नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुक कर रहे हैं हम उत्तराखंड पिथौरागढ़ का, जहां इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अध्यक्ष होकर भी आदरणीय नड्डा जी जिस प्रकार सहजता से, सरलता से और डाउन टू अर्थ रहकर हम सभी कार्यकर्ताओं का, आम जनता का मार्गदर्शन करते हैं, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। हम सब जानते हैं कि इस बार हमको आपने, माननीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है कि अब की बात 400 पार। ये केवल एक नारा नहीं है, ये नए भारत की, एक विकसित भारत की और मोदी जी की गारंटी की चाबी है। उस चाबी को हम सब लोगों ने संभाल के रखना है और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब केवल प्रश्न ये है कि कौन सी सीट कितने वोटों से जीतने वाली है। भाइयों बहनों, कौन सी सीट का अंतर सबसे अधिक होने वाला है, यह प्रश्न है लोगों के बीच में और पूरे देश में। इस बार चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। सबको पता है कि सरकार मोदी जी की बनने वाली है, एनडीए की बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। प्रश्न यह है कि 400 से कितनी अधिक सीटें जाने वाली हैं। इसलिए हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड देवभूमि से बहुत लगाव है हमेशा, और आप अनेक अनेक अवसरों पर, अनेक अनेक पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड के अंदर संगठन के कामों के लिए आप लगातार उत्तराखंड आते रहे हैं। आप भली भांति उत्तराखंड को जानते हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि इस बार ऐतिहासिक मतों से हम यहाँ से, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से हमारे लोकसभा के सांसद भाई अजय टंटा जी को भारी बहुमत से एक तरफा समर्थन देंगे। और वैसे भी आप देख रहे होंगे, दूसरी पार्टियां आज कहीं मैदान पर दिखाई नहीं दे रही है। उनके यहाँ कोई टिकट लेने वाला भी नहीं था, इसलिए कि उन सबको पता था कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। चुनाव का परिणाम पहले से जानकर वो चुनाव के मैदान से बाहर चले गए हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग थोड़ा सा भी शिथिलता न लाएं और 19 अप्रैल को जिस दिन हमारा है यहाँ मतदान होना है पहले चरण में, प्रातः काल से सारे लोगों को हम मतदान केंद्रों तक ले जाने की जिम्मेदारी है, मतदान करने और कराने की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हम सब लोग यहाँ से प्रचंड बहुमत से और उत्तराखंड की 5 सीटें यहाँ से जिताकर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में पूरा योगदान देंगे। अंत में मैं पुनः एक बार फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आप सबकी तरफ से, देवभूमि के सभी जनों की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मैं सीधे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि वो हम सब को अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई श्री पुष्कर धामी जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी और पूर्व में राज्यसभा के सदस्य रहे ऐसे हमारे महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी और मेरे संसद में मेरे साथी श्री अजय टंटा जी,
हमारे प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी, सौरभ बहुगुणा जी जो क्लस्टर के इंचार्ज हैं, हमारे वरिष्ठ साथी सुरेश भट्ट जी, गिरीश जोशी जी, मेरे बहुत ही पुराने साथी और पूर्व में अध्यक्ष रहे और यहां के विधायक श्री बिशन सिंह चुफाल जी, फकीर राम तड्डा जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे युवा मित्र और मीडिया के साथी, मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज पिथौरागढ़ में अजय टमटा जी के लिए चुनाव में उनके सहयोग के लिए यहां आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं हमें भाई, हमें इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज देवभूमि में आने का सौभाग्य मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज वीर भूमि में भी आने का सौभाग्य मिला है। ये ऐसी भूमि है जहां हम देवताओं को पूजते हैं, हर व्यक्ति देवतुल्य है, सात्विकता हम सबके मन में बची हुई है और ये ऐसी भूमि भी है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है, ऐसी वीर भूमि भी है। और जब हम चुनाव की बेला में जा रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम वन रैंक वन पेंशन भी दिया गया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। हम यह भी जानते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस शताब्दी का तीसरा दशक यह उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। मुझे खुशी है कि अब यह जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आज वह धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है। मित्रों, आपको जो चयन करना है वो एक तरफ उन लोगों का चयन करना है जिन्होंने उत्तराखंड के दर्द को समझा है, जिन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लगाने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं की आकांक्षाओं को उनको ताकत देकर के उनका सशक्तिकरण किया, जिन्होंने उत्तराखंड को मुख्य धारा में लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक आपके साथ धोखा दिया, वो लोग हैं जिन्होंने घोटाले किए, वो लोग हैं जिन्होंने आपके विकास के नारा देकर के आपको विनाश की तरफ धकेला है।
और घोटालों की सरकार एक नहीं अनेकों सरकार चलाई। मैं आपकी याददाश्त को ताजा करना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोयला का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में बोफर्स का घोटाला हुआ था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में पंडुप्पी का घोटाला हुआ था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था?